अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम बैक एक बार फिर एम क्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस से करेले और चने की दाल, जो कि बहुत ईजीएस्ट बनते हैं। तो आप लोगों ने फुल रेसिपी वॉच करनी है, और जो लोग मेरी वीडियो में न्यू आए हैं तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और कर लें बेल आइकन पर क्लिक, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। करेले और चने की दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने दाल को उबाल लिया था। पहले से ही हम दाल को उबाल लेंगे, अच्छे से इसको सॉफ्ट से गलाएंगे, और साथ में जो है करेले को मैंने कटिंग कर ली थी राउंड शेप में इस तरह से, उसके बीच निकाल के थोड़े से इसमें हम ऐड करेंगे। साथ ही हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हमें तेल गर्म कर लेना है, और तेल गर्म करने के बाद हम जो है करेले को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो है कड़वाहटपन जो है कम हो जाता है। इससे और ये बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस से क्रिस्पी से इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, साथ ही जो है करेले को थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने नमक लगाने के रख देना है, और फ्राई करने से पहले जो है आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद ही हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ जो है साथ साथ हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही इसमें गोल्डनिश कलर आएगा तो जो है अब हम टिश्यू पेपर पर या किसी भी प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे, ताकि ऑयल से ये अलग हो जाए। उसके बाद जो है हमने बाकी के करेले भी इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं, और इसी ही नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा हमने फ्लेम ऑन नहीं रखना है, ताकि फौरन ना जले। तो इसको बड़ी एहतियात से आप लोग करिएगा, और साथ में जो इसके सीड्स थे वो भी हमने इसमें फ्राई कर लेने हैं। ये भी खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो आप लोग ने लाजमी इसको भी ऐड करना है इसमें। देन हमने एक और पैन में ऑयल लिया है हाफ कप, साथ में जो इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून के बराबर ही हमने कलौंजी ऐड करनी है, और साथ में जो है हमने इसमें ऐड करना है कुटा हुआ धनिया। अगर आप लोगों के पास राई है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जो इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फ्राई होने देंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जिसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, चॉप कर लिए थे मैंने 2 से 3 अदद हमने टमाटर इसमें ऐड करने, अच्छे से बड़े से लाल से, और उसको भी हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसी हमने ऑयल में इसको फ्राई करने हैं सॉफ्ट होने तक। यहाँ जो है हमने लीड लगा देनी है, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ हमारी 2 से 3 मिनट बाद टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है इसी रेसिपी को, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। करेले बनाने की बेसिकली ये रेसिपी यही होती है। तो इसको जो है हमने सॉफ्ट कर लिए टमाटर को, साथ में जो है अब हमने क्या करना है, इसमें हमने जो हमने करेले फ्राई करे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, और देन जो है हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। उस सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर रेड मिर्च, और साथ में जो है हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा हसब ज़रूरत सॉल्ट, जितनी आपको नीड हो तो उसमें हम ऐड करेंगे। और क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है करेले में, तो उसको थोड़ा हमने कम ही इसमें ऐड करना है। उसके साथ जो है हम इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ जो है अब हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने 2 दरमियानी प्याज चॉप की थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास एक बड़ी प्याज है तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। करेले भी हमारे सॉफ्ट हैं और दाल भी हमारी पहले से गली हुई है, तो यहाँ जो है बस जल्दी जल्दी जो है इसको मेकिंग करने का टाइम है। तो जल्दी से हमने प्याज ऐड करी है, इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। देन इसमें हम ऐड कर देंगे चने की दाल जो हमने बॉयल करके रखी थी, इसको भी हमने अच्छे से ऐड करने के बाद मिक्स करना है। यहाँ पे जो है हमने अब ऐड कर देना है इसमें हरी मिर्चें काट के 1 अदद, ताकि अच्छे से उसका टेस्ट आए। और बस हमारे जो है चना करेले की दाल रेडी है, इसको डिश आउट कर लेंगे।
दाल से चने की दाल, करेला हमारा बिल्कुल रेडी। ऊपर से हम ऐड करेंगे इसमें लेमन हाफ। तो यहाँ जो है आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और दिन ज़्यादा दो में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا